हेलो। वेल, आज हमें ये पर्टिकुलर मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस करनी थी और इसको कंप्लीट करके, ये तो उसका स्केच है, इसको कंप्लीट जब आप करेंगे तो इसका एक्सट्रूड कमांड को यूज़ करके हम इसका 3D मॉडल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे बनाना है। ये डायमेंशंस वगैरह आपके पास ऑलरेडी है सारी, तो मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओके, हम स्केच में गए सबसे पहले, और स्केच में जाके हमें जो जिस भी प्लेन पे आपको काम करना है अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग, उसके हमने सिलेक्ट करा। जैसे मैंने यहाँ फ्रंट को सिलेक्ट करा। ओके, अब आपके पास जो आपको क्रिएट करना है ये पर्टिकुलर ड्राइंग है, ठीक है, ये आपको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए ड्राइंग को, स्केच को रीड करिए, क्योंकि आपको इसको बनाना कैसे है, अप्रोच क्या रखनी है, आपको मिनिमम कमांड यूज़ करनी है और मिनिमम टाइम के अंदर आपका ये पूरा स्केच कंप्लीट होना चाहिए, पूरा क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज नहीं होगा तो आपका एक्सट्रूड जो है सॉलिड में नहीं होगा, ठीक है, और फुल्ली कंस्ट्रेन होना चाहिए। मीन्स ये सारी लाइनें ब्लैक कलर में हो जाएगी जब फुल्ली कंस्ट्रेन होगा, जब अंडर कंस्ट्रेन होगा जब ब्लू कलर में वो लाइन नज़र आएगी, और जब ओवर कंस्ट्रेन होगा तो वो रेड कलर में शो करेगी। तो हमें इसको फुल्ली कंस्ट्रेन करना है। ओके, तो हम फिर से गए अपने इस पे, उसमें यहाँ पर एक सर्कल है, तो हमने दो सर्कल है, मैंने ओरिजिन पे ही लिया और दो सर्कल क्रिएट कर देते। इनकी डाइमेंशंस बाद में हो जाएगी। ओके, इसके बाद इस इधर की साइड में एक सर्कल है, तो मैंने यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे एक सर्कल और क्रिएट कर दिया। ओके, अब एक बार इनकी डायमेंशन देख लेते हैं। अंदर वाला जो है ये 35 का है, बाहर वाला 70 का है, ये 35 का, इसके अंदर भी एक 20 का है। ओके, तो एक सर्कल और बनाना है हमें सेम उस पर, ये यहाँ बना देते हैं। अब मुझे पहले डायमेंशंस कर लेते हैं। इसकी डायमेंशन है 35 एंड 70, 35 एंड 20, ये हो गया। ठीक है, डायमेंशंस को करते हैं, डिस्टेंस चेक करते हैं। डिस्टेंस दे रखा है 250, मीन्स ओवरऑल इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का 250 गिवन है। ठीक है, तो आपको इसका सेंटर पॉइंट का बेसिक निकालना पड़ेगा कि सेंटर पॉइंट कहाँ होगा। ओके, तो ये आपका 250 में से, ये बाहर वाला सर्कल 35 का है, ठीक है, तो इसका हाफ रेडियस माइनस करना होगा इसमें से, तो 250 का तो ओवरऑल है, उसमें से माइनस जो है रेडियस इसका और रेडियस की इधर वाले का, दोनों बोथ साइड का, तो एक 35 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 215 बनेगा। ठीक है, या तो आप 215 को पूरी लाइन लीजिए, या मिरर कमांड से बनाना है तो उसके रिस्पेक्ट में करिए। अगर मिरर कमांड यूज़ करनी है तो इसको आपको 215 को भी हाफ करना पड़ेगा, और ये 107.5 हो जाएगा। सपोज टू, अब मैं इसकी भी डायमेंशन दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये और इसका सेंटर जो है 107.5 mm के डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो ये 0.5 के उस पर नहीं ले रहा क्योंकि हमने सेटिंग्स के अंदर रेफरेंस अप टू डेसिमल कितनी कर रखी है वो है, तो आपको वो करना है तो वो डेसिमल्स में जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे इसको मिरर करना है, तो देखिए ये मिरर की कमांड है, मुझे किसको मिरर करना है, सिलेक्ट ए मिरर लाइन, मुझे इस लाइन, ये जो रेफरेंस है वर्टिकल प्लेन, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में मुझे इसको और इसको करना है, तो ये दोनों इधर आ गए ऑटोमेटिकली 108 के ही डिस्टेंस पे आए। ठीक है, तो मैंने इस मिरर कमांड को बंद कर दिया। अब मैंने लाइन कमांड ली, और लाइन कमांड से मुझे क्या करना है, मुझे
इससे इसके पे टेंजेंट लेना है, ओके, और यहाँ से यहाँ टेंजेंट लेना है, और सेम दूसरी साइड में भी टेंजेंट लेना है। तो वहाँ पर भी अब हम मिरर कमांड दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको लिया, मैंने कहा इसके अलोंग मुझे मिरर करना है किसको, इसको, इसको, ठीक है। वीडियो में देखते हैं, यही चीज़ है, हाँ ऐसे ही चल रहा है, ओके। मिरर कमांड को बंद कर देते हैं, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है, ये दोनों के दोनों टेंजेंट बने हुए हैं। अब यहाँ पर एक है, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं कितना है, 45x10 का है ये, ठीक है, 45x10। तो ये हो गया आपका 45 का, अब एंगल सेलेक्ट हो गया, ठीक है, 45, और ये हो गया 10, ओके। अब मैं इसको सिमेट्रिक वो दे देता हूँ, सिमेट्रिक के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इस और इस एज को इस वाले लाइन के और इस वाले एज और इस वाले एज को इस वर्टिकल लाइन के सिमेट्रिक करना है। तो ये सारा ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक हो गया है, ठीक है। अब करने को जैसे ये है तो इसको हम डायमेंशन दे देंगे, तो ये कंस्ट्रेंट नहीं होगा, बिकॉज वाई, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर उसको कोई डायमेंशन नहीं दे रखी। तो या तो इसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, इसको फिक्स कर देते हैं, ये मिरर है तो ये भी होगा। आप देखो ये पूरा ब्लैक हो गया, और इसके साथ साथ आप देखोगे कि इसके अंदर भी पूरा शेडेड पोर्शन है, हल्का सा ग्रे शेड है, इट मीन्स ये सारा का सारा क्लोज हो गया, ठीक है। ये आपके ड्राइंग बन गई, एक स्केच बन गया। आप इसको मुझे एक्सट्रूड करना है, तो एक तो ये तरीका है कि देखो यहीं पर है कि एक्सट्रूड का आइकन है, या तो मैं इसको दबा दूं, या फिर मैं स्केच से बाहर आऊं, ओके, फिर यहाँ पर बाहर है एक्सट्रूड का वो है, उसको मैं प्रेस करूं, और उसके बाद जिस स्केच को आपको करना है मैं उस स्केच को यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट करूँ कि मुझे इस पूरे स्केच को करना है। देखो यहाँ पर ना अलग अलग एंटिटी सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर मुझे पूरा स्केच चाहिए तो मुझे ये पूरा स्केच यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये न्यू में है। अब मैं इसको टिल्ट करके देख रहा हूँ, तो देखिए ठीक है, मटेरियल ऐड हो रहा है, ओके। अब मटेरियल ऐड हो रहा है, हम रिमूव भी कर सकते हैं, अगर मटेरियल तो अभी है ही नहीं तो इसलिए रिमूव नहीं होगा, ओके। तो सबसे पहले तो हम मटेरियल को ऐड कर लेते हैं, यही है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं इसको पहले कर देता हूँ, उसके बाद मैं जो बताना चाहता हूँ वो बताता हूँ आपको। अब ये मटेरियल ऐड हो गया, अब ये देखोगे कि ये पूरी की पूरी एंटिटी आई है, ओके। तो ये अब मैं ये पूरा नहीं करना चाहता, ये अलग अलग सेगमेंट है ना, उसके रिस्पेक्ट में मैं करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें गया, फिर से एडिट कर देते, ठीक है, और सब इसको रिमूव कर देते। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये सेगमेंट और ये सेगमेंट और ये सेगमेंट चाहिए, ठीक है, ये एक्सट्रूड हो गया, देखो बाकी नहीं है, ओके। अब मैं दोबारा एक्सट्रूड में गया, और इस बार मैंने स्केच वन को लिया, ठीक है, लेकिन इस बार मैं स्केच वन के अंदर से मैं सारे फेसेस को ना लेके कुछ फेसेस को ही यूज़ करना चाहता हूँ। तो पहले हम इसको शो कर लेते हैं, ठीक है, अनहाइड कर देते हैं, ये हो गया। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इसमें ये वाला पोर्शन चाहिए और ये वाला पोर्शन चाहिए, लेकिन इसकी हाइट मुझे कम करनी है, एंटर। ये देखो ये एक ही स्केच को आप मल्टीपल एक्सट्रूड कमांड्स में यूज कर सकते हो, आपको बार बार स्केच क्रिएट ही नहीं करना है, ठीक है ना, ये बन गया, ओके। अब मुझे यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर या यहाँ कुछ बनाना है, क्योंकि यहाँ पर भी तो आपकी प्रोफाइल्स ऑलरेडी जनरेटेड है, तो अब मैंने क्या फिर से एक्सट्रूड कमांड में, ठीक है, और मैंने क्या करा इस बार, ये पोर्शन और
ये पोर्श, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रूड कर देता हूँ जिससे कि आपको नज़र आ जाए, ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा देखो यहाँ पर ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, ये अभी देखो यहाँ पर और पहला न्यू था, फिर ऐड हो रहा है मटेरियल, ठीक है, और यहाँ पर मुझे जैसे अभी तो वन साइडेड है, मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको सिमेट्रिक भी कर सकता हूँ कि दोनों साइड पर देखो इंक्रीज़ होगा, जहाँ पर मेरा स्केच है ना वहाँ से दोनों साइड पर इंक्रीज़ हो रहा है इक्वल। जैसे मैं यहाँ पर 100 वैल्यू पुट करूँगा तो वो इस स्केच से सिमेट्रिकल मूव हो रहा है, ठीक है। अब मुझे ये तो सपोज टू मैं मटेरियल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो ब्लाइंड वो चल रहा है, अप टू नेक्स्ट फेस करना है, ठीक है, तो मुझे इस फेस तक ही एक्सट्रूड करना है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, आप इन सबको एक एक बार करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ तक करना है, कि क्या क्या इसमें हो सकता है। ओके, सबसे ज़्यादा तो आपका यही यूज़ होता है कि हाँ भाई मुझे ये कितनी वैल्यू इसमें पुट करना है। ओके, मैं सिमेट्री को हटा देता हूँ अभी, और ये वाला फेस भी हटा देते हैं, और इसको थोड़ा कम करके 50 कर लिया इसको। ओके, यहाँ पे एक्सट्रूड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ पेंडिंग रह गया, तो ये फेस इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, ये फेस, ये सर्कल, ये इधर वाला, ये वाला छोटा, और ये, ठीक है, और हमें ये ब्लाइंड ही करना है। आ गया, ये अभी तक हमने मटेरियल को ऐड करा है, अब मुझे यहीं पर मटेरियल को रिमूव करना है, तो मैं क्या गया भाई, अब मटेरियल को रिमूव करना है तो सेम या तो कोई पैटर्न हो मेरे पास कि किस तरह का मटेरियल रिमूव करना है ना, वो भी स्केच होना चाहिए, तो मैं गया और मैंने कहा कि भाई मुझे ये जो वाला पोर्शन है ना स्केच में, क्योंकि हम ऑलरेडी सारा स्केच कर चुके हैं, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस बार मुझे यहाँ ऐड की जगह रिमूव करना है, ठीक है, और डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, और इसको देखो ऊपर तक लेके आता हूँ, तो ये अभी सिलेक्ट ठीक नहीं हुआ है। इसको सिलेक्ट करा, इसको ठीक है, ये सर्कल पूरा सेलेक्ट करा, और मैं इसमें मटेरियल को रिमूव कर रहा हूँ, अभी ये देखिए कैसे दिखता है, ये मैंने मटेरियल को रिमूव कर दिया, तो एक्सट्रूड में मटेरियल रिमूव भी हो रहा है और मटेरियल ऐड भी हो रहा है। ओके, इसके अलावा एक चीज़ और है एक्सट्रूड के अंदर, अब मैं फिर से एक्सट्रूड में जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर मैंने इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करा, ओके, और मैं यहाँ पर थिन पे क्लिक करा मैंने, ठीक है, डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, और इस वैल्यू को 5 करते हैं, और इस वैल्यू को 10 करते हैं, अभी सिलेक्शन ठीक नहीं हुआ है, ये अच्छा इस ड्राइंग में नहीं होगा, ये क्योंकि हमें मर्ज विद पार्ट वन करना है, तो मैं इसके लिए दूसरी ड्राइंग बनाता हूँ, फिर उसमें आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली में थिन कैसे करना है, तो इसको हम क्रॉस करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हम गए स्केच में, मैं स्केच के अंदर गया और मैंने सपोज टू मुझे इस सरफेस के ऊपर कुछ काम करना है, ठीक है, जिस सरफेस को मैं सिलेक्ट करा, मैंने इस सरफेस पे सिलेक्ट करा है, ओके, ये तो सिलेक्ट करा, अब यहाँ पर मैंने क्या करा, एक ये रेक्टेंगल बनाया,
इसकी डायमेंशंस दे देते हैं, अभी जो भी डायमेंशन है वही सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रूड पे गए और स्केच नंबर टू को सिलेक्ट करा और थिन में गए। देखो यार मैं थिन में जा रहा हूँ, ठीक है, और डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। अब ये देखिए थिन में क्या नज़र आएगा आपको, वैल्यूज़ ये पुट है और ये आपका थिन है, ठीक है। ये पूरा सॉलिड नहीं हुआ, वॉल क्रिएट हो गई है, ठीक है। फिर इसी के साथ एक और है एक्सट्रूड के अंदर, इसी एक्सट्रूड में जाते हैं सेम, इसको एडिट करते हैं, यहाँ पर सरफेस को सिलेक्ट कर देते हैं और मुझे सरफेस जो जो चाहिए जी जिसकी वो एज मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये मैंने एज सिलेक्ट कर ली और ये ध्यान रखना कि सरफेस के अंदर कोई भी थिकनेस नहीं होती, ओके। अब ये देखो ये सरफेस है, ऐसी कोई थिकनेस नहीं है क्योंकि उसने मुझसे पूछी भी नहीं है, लेकिन ये एक सरफेस जनरेट हो गया। तो हम एक्सट्रूड कमांड में ही सॉलिड का बना सकते हैं स्केच से 3D मॉडल का, ठीक है, सरफेस क्रिएट कर सकते हैं, थिन वॉल क्रिएट कर सकते हैं, सॉलिड के अंदर हम मटेरियल को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इवन इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सरफेस के अंदर हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं और थिन के अंदर हम ऐड और रिमूव और इंटरसेक्ट तीनों चीज़ें कर सकते हैं, ओके। तो ये एक्सट्रूड कमांड थी जिसको हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और एक्सट्रूड कमांड पे, और ये पर्टिकुलर स्केच आपको क्रिएट करना है एक्सरसाइज 4 के अंदर, ओके। और इसी का जैसे हमने लास्ट उसके अंदर करा था कि इसी को पर्टिकुलर मॉडल को, जैसे मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं स्केच 2 को डिलीट कर रहा हूँ, एक्सट्रूड 5 भी यहाँ से गायब हो जाएगा क्योंकि एक्सट्रूड 5 इज ए पेरेंट एंड सॉरी स्केच 2 इज ए पेरेंट एंड एक्सट्रूड 5 इज ए चाइल्ड, क्योंकि उसके ऊपर ही क्रिएट हुआ है ना। तो ये जब एक्सट्रूड 2 स्केच 2 ही नहीं रहा तो एक्सट्रूड 5 भी नहीं रहेगा, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब जैसे सपोज टू मुझे इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू बनाना है, तो हमने लास्ट उसमें पहले ही बनाया था क्रिएट ड्राइंग में, अभी इसका पूरा वो नहीं कर रहे हम, ठीक है। पहले 3D को ही सीखेंगे, उसके बाद ढंग से सीखेंगे कि हमें ड्राफ्टिंग एक्चुअल में कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे आपका एक्सेल की तरह टैब क्रिएट हो जाएगा ड्राइंग के नाम से, और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा पार्ट चाहिए, मैंने कहा मुझे ये पार्ट चाहिए, वो यहाँ पर आ जाएगा और इसका ये फ्रंट व्यू, और अपने आप ही सिलेक्शन में ही रहेगा एक व्यू, ये इसका टॉप व्यू, फिर दोबारा मुझे इसका सिलेक्ट करना पड़ेगा और साइड में करूँगा तो ये इसका साइड व्यू हो जाएगा, फिर दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा, ठीक है। और इस कमांड को यहाँ से हमें ऑफ करना पड़ेगा, मैं राइट क्लिक करूँगा इस पर आके सिलेक्ट करके और शो कर दूँगा ऑल हिडन लाइंस, तो यहाँ पर जितनी भी हिडन लाइंस होंगी इनके अंदर जो अभी तक अनहाइड है वो सारी की सारी शो होने लग जाएगी। देखो कुछ में शो हो रही है यहाँ पर, जैसे ये हिडन लाइन यहाँ शो हुई, अभी इसमें भी शो हुई कि अंदर वाला जो सर्कल है जो मटेरियल रिमूव हुआ था उसका, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक है, इसको भी हम राइट क्लिक करेंगे और हम इसको शो शेडेड व्यू कर देंगे, तो ये आपको जैसे वहाँ 3D में नज़र आ रहा था वैसे नज़र आएगा, ओके। फिर मैंने इसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप डायमेंशंस कहाँ से देनी है इसके अंदर, ठीक है। ये सेम डायमेंशन है, आप सेम वैसे ही डायमेंशंस दे सकते हो, तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। फिर आगे हम अलग अलग और पार्ट स्टूडियो के अंदर जो 3D की कमांड्स है, जैसे रिवॉल्व है, ठीक है, स्वीप है, लॉफ्ट है, इन सबको करेंगे। फिर आपके पास फिलेट है, चैम्फर है, ड्राफ्ट है, ठीक है, रिप कमांड है, शेल कमांड है, ठीक है, होल कमांड है, इन सबको करेंगे। फिर 3D पैटर्न है, मिरर है, ये सब करेंगे, ठीक है। तो मेन थोड़ा लंबी वीडियो बन गई है बिकॉज एक ही एक्सट्रूड के अंदर कई सारी चीज़ें आपको बतानी थी, तो इसका प्रैक्टिस करिए। क्या कुछ भी जो भी आपको ड्राइंग कुछ नज़र आ रहा है, कुछ रियल वर्ल्ड का कोई प्रोडक्ट है, पेन बनाइए, माउस बनाइए, एनी थिंग यू कैन क्रिएट, अप टू यू कि आप इस पर क्या क्रिएट करना चाहते हो, ओके, डू इट, ऑल द बेस्ट।